हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण एक पे। उदाहरण एक में दो भाग हैं। पहला भाग, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है कि यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? आइए देखते हैं उदाहरण एक के उत्तर को। यहां से देखा जा सकता है कि प्रतिरोध यानी R रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए होता है। रो यानी प्रतिरोधकता हमें दी गई है, जो कि है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ए यानी तार का क्षेत्रफल होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर डी दिए गए तार का व्यास है। आर यानी प्रतिरोध भी हमें दिया गया है, जो कि है 10 ओम। जब हम इन सबको फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारी एल यानी तार की लंबाई आएगी 122.72 मीटर। भाग दो में जब हम व्यास को दुगना कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा और फॉर्मूले से देखा जा सकता है कि हमारा प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध के मुकाबले 4 गुना कम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण दो पे। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। चलिए अब हम उदाहरण दो के उत्तर को देखते हैं। इस सवाल में हमें ऊष्मा की दर निकालने को कहा गया है, यानी कि विद्युत शक्ति बतानी है। विद्युत शक्ति P होती है और P का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर। आई यानी विद्युत धारा 15 एम्पियर है, आर यानी प्रतिरोध 8 ओम है। जब हम इसे फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारी विद्युत शक्ति आएगी 1800 जूल सेकेंड या 1800 वॉट। आइए अब हम उदाहरण तीन पे आते हैं। उदाहरण तीन में हमसे पूछा गया है किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 1200 वॉट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। चलिए अब हम उदाहरण तीन के उत्तर पे आते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने के दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि टीवी सेट की शक्ति है 250 वॉट, तो हमारी उत्पन्न ऊर्जा हो जाएगी 250 वॉट आर। और विद्युत हीटर की शक्ति 1200 वॉट है, तो ऊर्जा हो जाएगी 200 वॉट आर। इससे हम देख सकते हैं कि टीवी सेट में अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होगी। उदाहरण चार में हमें दिया गया है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? उदाहरण चार का उत्तर कुछ इस प्रकार है। ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। ये सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो हम सभी प्रतिरोधकों का योग ले लेंगे, जो कि होगा 13.4 ओम। हमारी विद्युत धारा आएगी 0.67 एम्पियर। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है, तो 12 ओम से भी 0.67 एम्पियर विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी। उदाहरण पांच में हमसे पूछा गया है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो।
आइए अब हम उदाहरण 5 के उत्तर को देखते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं कि n प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। जब प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित होते हैं तो हम प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों का योग लेते हैं। हमारा प्रतिरोध आ जाएगा 176 अपॉन एन ओम। जब हम इसे ओम्स लॉ में डालेंगे तो एन आ जाएगा 4, मतलब 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करना होगा। आइए अब हम उदाहरण 6 पे आते हैं। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध भाग 1 9 ओम और भाग 2 4 ओम हो। उदाहरण 6 के उत्तर में 2 भाग हैं। पहले तो 9 ओम प्राप्त करने के लिए हम 2 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में लगाएंगे और इस पूरे को तीसरे 6 ओम के साथ श्रेणी क्रम में लगाएंगे, तो हमारे पास 9 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। और दूसरे भाग में 4 ओम प्राप्त करने के लिए हम पहले 2 6 ओम को श्रेणी क्रम में लगाएंगे और फिर इस पूरे को तीसरे 6 ओम के साथ पार्श्वक्रम में लगाएंगे, तो हमारा 4 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। चलिए अब हम उदाहरण 7 पे बढ़ते हैं। उदाहरण 7 में कहा गया है 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वॉट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वॉट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है? उदाहरण 7 का उत्तर कुछ इस प्रकार है। हमें पता है कि P is equal to VI होता है, तो पहले लैंप से 100/220 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ओम्स लॉ लगाकर अब हम इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरे लैंप का भी प्रतिरोध निकाल लेंगे। हमें दिख रहा है कि ये दोनों प्रतिरोध पार्श्वक्रम में हैं, तो हम आखिरी का प्रतिरोध निकाल लेंगे जो कि 2420/8 ओम आएगा। अब हम ओम्स लॉ लगाकर बड़ी आसानी से विद्युत धारा निकाल सकते हैं जो कि होगी 0.73 एम्पियर। उदाहरण 8 में 2 भाग हैं। इस उदाहरण में हमें 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोग शक्तियों की तुलना करनी है। पहले भाग में 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन है और दूसरे भाग में 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्वक्रम संयोजन है। उदाहरण 8 के पहले भाग में श्रेणी क्रम संयोजन होने के कारण प्रतिरोध आ जाएगा 3 ओम। अब ओम्स लॉ से देखा जा सकता है कि विद्युत धारा होगी 2 एम्पियर। विद्युत शक्ति P होती है I स्क्वायर R, वो हो जाएगी 8 वॉट। दूसरे भाग में पार्श्वक्रम संयोजन होने के कारण दोनों प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर समान होगा। विद्युत शक्ति होती है P is equal to V square by R, जो इस भाग में भी 8 वॉट के बराबर ही आएगी। चलिए अब हम आखिरी उदाहरण पे आते हैं। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं यानी कि I के संगत मान आगे दिए गए हैं। अब हमें कहा गया है V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। चलिए अब हम उदाहरण 9 के उत्तर को देखते हैं। हमें ये चित्र दिख रहा है। इस चित्र के ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जब हमारी विद्युत धारा 0.5 एम्पीयर के बराबर होगी तो हमारे सिरों के बीच का विभवांतर 1.6 वोल्ट के बराबर आएगा। ऐसे ही जब हमारी विद्युत धारा 1 एम्पीयर के बराबर होगी तो सिरों के बीच का विभवांतर 3.4 वोल्ट आएगा। ऐसे कर करके हम ये पूरा ग्राफ बना सकते हैं। अब किसी भी ग्राफ में जो रेखा की ढाल होती है वो होती है वाई बाय एक्स। रेखा की ढाल मतलब ये हो जाएगी y बाय एक्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे
लिखा हुआ है 3 माइनस 1 2 एम्पियर के बराबर, जितना y में हम ऊपर गए डिवाइडेड बाय x में जितना हम बाई ओर से दाई ओर गए, जो कि है 6.8 वोल्ट। तो रेखा की ढाल आ जाएगी I बाय वी, और ओम्स लॉ से हमें पता है I बाय वी होता है 1 बाय आर, तो हमारा R यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा 3.4 ओम। चलिए अब हम वोकैबुलरी सेक्शन अर्थात शब्दावली की ओर बढ़ते हैं। इसके माध्यम से हम कुछ नए शब्द सीखेंगे और वाक्यों में उनका प्रयोग भी देखेंगे। पहला शब्द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल अर्थात असाधारण। इसका उदाहरण है द साइंटिस्ट मेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी, मतलब वैज्ञानिकों ने एक असाधारण खोज की है। दूसरा शब्द एक्स्टैटिक, मतलब फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट अर्थात अति आनंदित। इसका उदाहरण शी वॉज एक्सटैटिक अबाउट हर न्यू जॉब, जिसका मतलब होता है कि वो अपने नए काम को लेकर आनंदित थी। तीसरा शब्द इंडिस्पेंसिबल, मतलब एब्सोल्यूटली नेसेसरी, हिंदी में हम इसे परम आवश्यक भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण है स्लीप एंड गुड फूड आर इंडिस्पेंसिबल टू गुड हेल्थ, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद और अच्छा खाना आवश्यक है। धन्यवाद, आशा करती हूँ कि आपको सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।